एग्री प्राइवेट लिमिटेड काशीपुर से हैं। ही डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पेक चंडीगढ़ इन 1977 एंड स्टार्टेड फर्स्ट सोलर टिम्बर सीजनिंग प्लांट इन 1978। ही हैज की रोल इन ब्रिंगिंग IIM टू काशीपुर। He is co-chairman of PhD Chamber of Commerce and Industry Uttarakhand. He was awarded with Uttarakhand prestigious award, Pride of Uttarakhand, by Governor Her Excellency Margaret Alva in the past. Is found and today he is honored to have received the award from को गति दी है जिनमें मुख्य हैं खांडसारी उद्योग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट सोयाबीन रिफाइंड तेल यूनिट स्टील TMT bars. हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर एलॉय स्टील मेल्टिंग शॉप कास्टिंग एवं मोल्डिंग यूनिट और ऑटोमोबाइल टेक्सटाइल स्पिनिंग यूनिट हैवी स्ट्रक्चर स्टील यूनिट टेक्सटाइल पेट रिसाइकल फाइबर यूनिट। अपनी बिजनेस यात्रा इन्होंने 1974 में शुरू की। अपने ग्रह काशीपुर के ताज में जुड़ा एक और रत्न। जी हाँ, काशीपुर के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। काशीपुर के वो बड़े उद्योगपति जो कि आज के समय में आ रहे नए उद्योगपतियों के लिए वट वृक्ष के समान है, जिनकी छांव में जिनसे सीख कर जो आज के नए उद्योगपति हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको जो एक सम्मान जो मिला है आज हम उसके बारे में आपको बताते हैं। मैं बात कर रही हूँ काशीपुर के जाने माने उद्योगपति योगेश जिंदल जी के बारे में, जिनको हाल ही में राजभवन में राज्यपाल द्वारा एक सम्मान दिया गया है। जी हाँ, हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो इस सम्मान के। धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो उद्योगपति आज के समय में आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? राजभवन में जो कार्यक्रम था वो राज्यपाल महोदय द्वारा बहुत सेलेक्टेड उद्यमियों को जो 63 वर्ष से ऊपर आयु में भी आज भी उद्यमशीलता के साथ प्रदेश के विकास में लगातार संलग्न है, उन लोगों को उन्होंने सम्मानित किया है। और लक्ष्य उनका एक ही है, नई पीढ़ी को एक संदेश जाए, जब इस क्षेत्र में सहूलियतें नहीं थी, योजनाएं नहीं थी सरकार की, तब से आप लोग इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। आज नई पीढ़ी को संदेश देना है कि आप लोगों के जो अनुभव हैं, जो इस क्षेत्र के उद्यमियों के अनुभव हैं, उन्हें देखकर सीखकर नई पीढ़ी आगे बढ़े और प्रदेश में एक रोजगार का, प्रगति का, तरक्की का मार्ग प्रशस्त करें। तो नई पीढ़ी को संदेश देना और औद्योगिक रोजगारों के माध्यम से मुख्य लक्ष्य रहा है। और राज्यपाल महोदय द्वारा कुल मिलाकर एक शानदार भाषण के माध्यम से हम लोगों तक ने एक जोश भरा है कि पुनः आपको कुछ और करना है और नई पीढ़ी को साथ लेकर चलना है। धन्यवाद। तो जैसे कि हमने सुना कि जो काशीपुर के उद्योगपति जो कि सभी उद्योगपतियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनको उद्योग पुरोधा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज की जो नई पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं सर खोती जा रही है, अपने मार्ग से भटकती जा रही है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? नई पीढ़ी को समझना पड़ेगा हर सफलता के पीछे अनेकों असफलता छिपी रहती है। बहुत जल्दबाजी के बिना हर कदम व्यवसाय में उद्योग में संभाल कर रखें और धैर्य के साथ उस कार्य को करें तो सफलताएं निश्चित रूप से मिलेंगी। उसमें कर्मठता और उद्यमशीलता धैर्य के साथ बहुत अधिक आवश्यक है। आधुनिक समय में पिक्चर्स यूट्यूब सेल इस तरह की सुविधाएं आ गई हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं नौजवानों का मन भ्रमित होता है, तो वहाँ पर उन्हें धैर्य के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति उद्योग लगाता है तो वो उसकी अपनी पूंजी नहीं होती, वो राष्ट्रीय पूंजी होती है।
उसकी कीमत को उसे समझना होगा, और अगर वो फेल होता है तो अनेक नव युवकों का हिम्मत टूटती है, तो उसकी अपने उद्योग के प्रति ही नहीं समाज के प्रति भी जिम्मेदारी होती है कि हम समाज को एक अच्छा संदेश दें और प्रगति में जल्दबाजी नहीं करें। जब हम मन से तन से बुद्धि से कार्य करते हैं तो कुदरत आशीर्वाद देती है, सफलता मिलती है, लेकिन उसमें समय लगता है। अब हमारे साथ मौजूद हैं काशीपुर के वो शख्सियत जिनको आप सभी जानते होंगे, KDF के द्वारा जो काश के विकास में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राजीव गई जी, जिनको जो हमारे साथ जुड़े हैं इस समय, जिनसे हम पूछेंगे कि सर आपको भी पहली बात तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपको भी उद्योग पुरोधा सम्मान जो है वो मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोनाली लाल का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मेरे को ये वाली चीज के लिए चुना। जहाँ तक सवाल है ये अवार्ड देना, ये सब लोगों का प्रेम और वो है। हमारी ये सिडकुल एंटरप्रीनियर एसोसिएशन हरिद्वार का मानना है कि उत्तराखंड का जो निर्माण हो रहा था तो उस वक्त जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई वो हम, क्योंकि मैं उन दिनों चैम्बर का प्रेजिडेंट था, तो ये मांग हमने ही रखी थी कि यहाँ इंडस्ट्रियल पैकेज जो है वो दिया जाए, नहीं तो यहाँ जो इंडस्ट्रियाँ लगी है वो बहुत छोटे से दायरे में रहकर बंद हो जाएंगे और ना औद्योगिक विकास नहीं होगा। जो हमारे उस वक्त माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा हमको पैकेज दिया गया, उनके साथ मीटिंग हमारे माननीय कोश्यारी जी और माननीय रमेश पोखरियाल जी ने उस वक्त मीटिंग कराई और ये चीज़ हमको मिली। इन सब चीज़ों को और हमारा उद्योग में पिछले 50 साल से ज़्यादा जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, तो ऐसे सीनियर सिटीजन को उन्होंने सेलेक्ट करके ये वाला अवार्ड दिया है। उनका मानना है कि जो आगे की जनरेशन आ रही है, हमारे जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री इतना बड़ी योजना लेकर आ रहे हैं, एक नया पुष्कर सिंह धामी जी हमारे युवा जो अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री हैं, उनका जो विजन है उसको कैसे पूरा करें। ये बुजुर्ग जितने भी हम बुजुर्ग हैं वो चाहते हैं कि हम नई जनरेशन को एक मैसेज दें, एक नॉलेज दें, और ये उत्तराखंड देश का जो उनकी सपना है कि एक आदर्श प्रदेश बने वो पूरा हो। जैसे कि सर बात कर रहे हैं आप आज की जनरेशन जो युवा पीढ़ी है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं निराशा की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। हाल ही में अगर हम बात करें तो अभी कुछ समय पहले ये खबर आई थी जिसमें दो स्टूडेंट्स ने 5 घंटे के अंदर ही सुसाइड कर लिया था। लगातार जो सुसाइडल केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं भटक रही है उस असली रास्ते से कि एकदम हार मान लेते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों? नहीं, ये एक मानसिक कंपटीशन सा पैदा हो गया है। ये जेट एज है, आज हर आदमी कंपटीटिव होता जा रहा है। आज डिजिटल युग है, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह की दूसरी जगह तक पहुंचती है। हमें उस डिजिटल युग में बराबरी रखनी पड़ी, हमें अपनी नॉलेज को अपडेट रखना जरूरी है। मेरा युवाओं से ये कहना है कि जो व्हाट्सएप और फेसबुक ये जो चीज़ें हैं उनको पॉजिटिव रूप में, नॉलेज के रूप में इस्तेमाल करें, ना कि उसको गलत सेंस में यूज़ करें। आज की तारीख में वंडर्स भी हो रहे हैं, हमारे कई युवा इस वक्त टॉप तरह की चीज़ें भी पैदा कर रहे हैं। हमारे देश के युवा जो अमेरिका के टॉप कंपनियों के CEO हैं वो भी यहीं से निकल के गए, और पॉजिटिव रहना है, डिप्रेशन नहीं रहना। हमें नई से नई योजनाओं के बारे में सोचकर और अपने जो प्रेजेंट स्कीम्स हैं उनको यूटिलाइज करना है। मेरी पेरेंट्स से भी अपील है कि वो अपने युवाओं से
मतलब मैं कंपटीशन की भावना ना पैदा करके उनके अंदर जो काबिलियत है उसको आगे बढ़वाएं। उन वो क्या होता है कि बराबर के किसी से कंपटीशन कराते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन में आता है, बहुत बोझ पैदा हो रहा है। अगर अगर एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं तो पेरेंट्स उस बच्चे से इस तरीके के प्रेशर डालते हैं जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स की जो दबाव है उसको झेल नहीं पा रहा। उम्मीद उतनी रखो, बच्चे हमारे हैं, उम्मीद उतनी रखो जितना वो कैपेबल है। तो ये हमने बात करी उद्योग नगरी काशीपुर के दो उद्यमियों से जिन्होंने काशीपुर के ताज में और बड़े रत्न जो है वो जड़ दिए हैं। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं ऋषि बहादुर, सुरागिरा न्यूज चैनल। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।